नगर परिषद में गुरुवार को फायर एनओसी प्रकरण को लेकर हुए विवाद को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद के कर्मचारियों ने सभापति व आयुक्त के समक्ष अपना रोष प्रकट किया। सभापति गोविंद पंडित तथा आयुक्त विकास कुमावत के साथ की गई बैठक में कर्मचारियों ने इस बात पर आक्रोश जताया कि उनकी ओर से आमजन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित किया जाता है, बावजूद आमजन की ओर से उनके साथ अभद्रता की जाती है। बैठक के दौरान कर्मचारियों की पीड़ा सुनने के सभापति पंडित तथा आयुक्त विकास कुमावत ने एनओसी प्रकरण के पीड़ित पक्ष के लोगों तथा पार्षदों को बुलाकर दोनों पक्षों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करवाई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से गुरुवार को घटित घटनाक्रम पर खेद प्रकट करते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने की बात कही। इस दौरान सभापति गोविंद पंडित ने बताया कि गुरुवार को पीड़ित पक्ष की ओर से फायर एनओसी की एवज में फायर अधिकारी की ओर से ऐसी वे इन्वर्टर मांगने की जांच करवाई जा रही है। अगर जांच में यह बात सिद्ध होती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारियों के अंदर जो रोष था उसके लिए जो सामने वाला जो प्रार्थी था जिसकी ट्रक जली थी उसके द्वारा जो कार्रवाई कर रहे थे वीरेंद्र भैया उनको भी बुलाया गया है और अंसारी से बुलाकर उनको बैठकर उन दोनों में समझौता कराया गया है, जिससे कि अब भविष्य में कभी भी नगर परिषद स्टाफ को भी पाबंद किया गया है। जो फायर के जो अधिकारी लगाए हुए हैं लक्ष्मीनारायण भाटी उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे कि आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा उपलब्ध नहीं होगी। घटनाक्रम हुआ था वीरेंद्र सिंह रावत और अंसारी जी के बीच में, वो एक असंतुलित के कारण कुछ तुतुमे में हो गई थी, जिसका आज दोनों में आपस में वार्ता करके गलती फील की। वे अपनी ओर से उन्होंने ये बोला कि ये भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी और हम भी नगर परिषद के कर्मचारी के नाते होते हुए सभी पार्षद एवं नागरिकों का पूर्ण जोर से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी यही मंशा होती है कि कार्य तुरंत प्रभाव से किया जाए, लेकिन कभी कभी समय से ही होती है क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण एक बाबू के पास दो दो तीन तीन सीटें होती है, इस कारण कभी कभी लेट हो जाता है। बाकी आप ये शहर में अच्छा मैसेज आए, हम कर्मचारी खुद ये सोचते हैं और आगे के लिए भी ये मैसेज आएगा कि तुरंत प्रभाव से काम होगा और हमारे और किसी भी मेंबर या किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई भी एक दूसरे पर मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुँचाएंगे।